यातायात जागरूकता कार्यक्रम में यातायात के नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों को बुधवार को गोलघर स्थित इंदिरा गांधी प्रतिमा के पास पुलिस अधीक्षक यातायात आदित्य प्रकाश वर्मा और समाज सेवी संगठन के सहयोग से निःशुल्क हेलमेट वितरण का कार्यक्रम किया गया। सड़क पर ऐसे वाहन चालक को जो बिना हेलमेट के गाड़ी चलाते हुए दो पहिया वाहन पर तीन सवारी बैठकर और वाहन चलाते समय मोबाइल से बात कर रहे हैं मिले, उन्हें समाज सेवी संगठन और पुलिस अधीक्षक यातायात द्वारा गुलाब का फूल और यातायात जागरूकता संबंधित एक पंपलेट दिया गया। जिन वाहन स्वामियों के पास हेलमेट नहीं थे उन्हें हेलमेट भी दिया गया। पुलिस अधीक्षक यातायात ने कहा कि संगठन ने जन सामान्य को यातायात के प्रति जागरूक करने का सफल प्रयास किया है। ये पहल समाज के प्रति बहुत ही सराहनीय है। ऐसे कार्यक्रमों को यातायात पुलिस के साथ मिलकर और भी संगठनों को ऐसे नेक काम में आगे आना चाहिए तथा यातायात के प्रति स्वयं जनता को जागरूक होना चाहिए। इस संबंध में गोरखपुरी संवाददाता से बात करते हुए वाहन चालक और पुलिस अधीक्षक यातायात आदित्य प्रकाश वर्मा ने कहा, मानव अधिकार संगठन की विशेष पहल मानवाधिकार संगठन द्वारा आवश्यक सूचना गोरखपुर की शान है, जो हेलमेट लेते हैं उसे नहीं लगाते हैं। गोरखपुर की शान नंबर दो, बेटा हेलमेट है तुम्हारे पास नहीं है, ले आठ पे क्यों अभी देख लगाइए, इनका गाड़ी नंबर नोट करो, नाम बता दो, नाम चलो ये लो हेलमेट लगाओ, नाम पूछ लिए, नाम बेटा क्या हेलमेट लगा दे, सानी जी नाम पूछ लिएगा, आज दिवाली है बेटा, चलो अब लगा के चलना, गाड़ी नंबर नोट करिए, गाड़ी नंबर क्या है, सही रुपए तो यूँ मना रहे हैं तुम्हारे जीवन सुरक्षा की चिंता हमको करनी पड़ रही है ना, तुम्हें अपने बीवी बच्चों को परवाह नहीं है। आप पुलिस है, उस तरह के आप हेलमेट नहीं पहने हुए देख सकते हैं, लोगों को जागरूक किया जा रहा है शीतल गांधी जयंती थी हेलमेट है तो हेलमेट कल से लगा के चलोगे ठीक सर, ना हो तो हम लोग खरीद के चलो जाओ, हेलमेट पहन के दे रहे कपड़ा खोल लीजिए, पास नहीं कहीं निकलिए आप, जब कम आदमी रहेगा जब तादाद बढ़ जाएगी लगाने वालों की तब तो नहीं लगाते उनको शर्म आएगी लगे दूसरा हेलमेट दे देंगे लगा के चलो, आप लगा लो लगा चलो, हम लोग फ्री में भी दे देंगे अगर आप हेलमेट दे, गुड वेरी गुड हाँ जरूर पहनेंगे, हमेशा पहनेंगे। किस तरह का अभियान है सरकार का? क्या अभियान है सरकार का? है ये ठीक है? हाँ हाँ एकदम अच्छा है, बहुत सेफ फुल है, लोगों को जागरूक करने के लिए। हाँ एकदम करना चाहिए। शिवांगी उत्तम बांध कर चलते हैं टेंट में है।
कैंट में है जी। विजय लक्ष्मी लगा के नहीं चलती है और प्रशासन यातायात पुलिस जो हमेशा अवेयरनेस करता है, सामाजिक संस्थाएं भी आप जागरूक करते हैं, लेकिन फिर भी आप लोग इसके लिए सॉरी, आइंदा गलती नहीं होगी। हेलमेट बंटवा रहा हूं लोगों को भी कहेंगे इस बार जी सर, सभी लोगों को जो भी बिना हेलमेट के चलेगा मैं सबको आश्वासन दूंगी सभी लोग हेलमेट लगा कर। मोहम्मद आसिफ। आसिफ गाड़ी कितने दिन से चला रहे हैं? गाड़ी तकरीबन मैं 2010 सात आठ साल से चला रहा हूँ। हेलमेट कभी पहना है? पहनते हैं, टूट गया इस वक्त मेरा। अभी देंगे। क्या हुआ, क्या मिला आपको? सर की तरफ से हेलमेट अधिकार से हम अधिकार की तरफ से हेलमेट मिला है, इसका मैं उपयोग करूँगा, हमेशा पहनूंगा जब भी गाड़ी चलाऊंगा। भैया ये ऑल इंडिया मानवाधिकार संगठन द्वारा गोरखपुर नगर में लोगों में यातायात के विषय में जागरूकता और हेलमेट ना पहनने वालों को हेलमेट पहनने के लिए जागरूक करने का प्रयास किया गया है। इसी अनुक्रम में इनके द्वारा जो है निःशुल्क हेलमेट का वितरण भी किया गया है और ये बहुत अच्छा इनका प्रयास है। इनकी मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ कि कम से कम यातायात के विषय में स्वैच्छिक संगठन, सामाजिक संगठन सभी लोग हम लोगों से जुड़ रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है और मैं शुभकामनाएं देता हूँ कि ये भविष्य में भी हम लोगों के साथ जुड़ के यातायात के संचालन में, यातायात के नियमों के अनुपालन के लिए अपना अभूतपूर्व योगदान देते रहेंगे।